हाय फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है वाटर कलर ब्रशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला होगा कि कौन कौन से वाटर कलर ब्रशेज आते हैं, दूसरा होगा कि किस किस ब्रांड्स के अवेलेबल हैं इंडिया में, और लास्ट टॉपिक होगा कि आप इसको ऑनलाइन कहाँ से ले सकते हैं। देखिए, एक चीज़ हमको हमेशा याद रखना है कि जो नेचुरल सेबल या स्क्विरल हेयर होते हैं वो वाटर कलर के लिए सबसे अच्छे रहते हैं। वो नेचुरल हेयर होता है और वो पानी के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जो हमारे सिंथेटिक ब्रशेस होते हैं वो पानी को अब्जॉर्ब ही नहीं करते हैं, वो उसको रिपेल करते हैं। तो सिंथेटिक ब्रशेस वाटर कलर के लिए सही नहीं रहते हैं। कुछ साल पहले इंडिया में मोंगोज हेयर अवेलेबल होते थे नेचुरल हेयर के फॉर्म में, पर अभी उस पर बैन लग चुका है। तो अभी हमको इंटरनेशनल ब्रांड्स के ही वाटर कलर पेंट ब्रशेज देखने हैं जो सब रेंज में अवेलेबल होते हैं। जो अच्छे ब्रांड्स हैं उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी और एक्सपेरिमेंटेशन के साथ ऐसे पेंट ब्रशेज बनाए हैं जो एक्चुअली सिंथेटिक होते हैं, पर उनका बिहेवियर बिल्कुल नेचुरल सेबल या स्क्विरल हेयर की तरह होता है। तो वो जो सिंथेटिक सेबल हेयर है, हमको वैसे ही पेंट ब्रशेज खरीदने हैं। चलिए, आप किस किस तरीके के पेंट ब्रशेज आते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे राउंड ब्रशेज। ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही वर्सटाइल ब्रशेज होते हैं, और पेंटिंग में काफ़ी हद तक हम राउंड ब्रशेज यूज़ करते हैं, तो ये तो आपके कलेक्शन में होना ही चाहिए। फिर आता है हमारा मॉप ब्रश। ये काफ़ी लार्ज एरियाज़ को कवर करने के लिए होता है। ये काफ़ी पानी और काफ़ी पेंट सोक कर सकता है, तो ये भी बहुत अच्छा ब्रश है। काफ़ी लोग राउंड ब्रश के बजाय मॉप ब्रश यूज़ करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये मेरा रफायल का मॉप ब्रश है। फिर आते हैं हमारे सिंथेटिक ब्रशेस। ये कुछ कुछ टेक्सचर वर्क के लिए ठीक रहते हैं, पर वाटर कलर के लिए मैं आपको सिंथेटिक ब्रशेज बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगी। फिर आता है हमारा फ्लैट ब्रश। ये पानी का एक वॉश देने के लिए, बहुत सारे एरिया पे पेंट करने के लिए और लाइन वर्क के लिए बहुत अच्छा रहता है। फिर आता है हमारा रिगर ब्रश। ये बहुत ही डेलिकेट लाइंस के लिए, टहनियों के लिए, घास के लिए और बहुत ही पतली इंट्रिकेट डिटेलिंग वर्क के लिए सही रहता है। फिर ये है एक ब्रिसल ब्रश। ये बहुत हार्ड होते हैं इसके ब्रिसल्स। ये वाटर कलर ब्रश नहीं है, पर अगर आप आगे मेरी पेंटिंग्स और ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो ये मैं ब्रश काफ़ी यूज़ करती हूँ। ये ट्रीज़ के लिए, पेड़ के लिए, ग्रास इफ़ेक्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो ये मैं पर्सनली अपने कलेक्शन में मैंने इसको रखा है। ये है हमारा चाइनीज़ ब्रश। इसको ऑलराउंडर ब्रश भी कहा जाता है। इससे आप काफ़ी ब्रशेस का काम कर सकते हैं। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, तो इससे आप ज़्यादा एरिया भी कर सकते हैं, बहुत डेलिकेट लाइंस भी कर सकते हैं। गीले होने पे इसका टिप बहुत ही पतला हो जाता है, तो ये डेलिकेट इंट्रिकेट वर्क के लिए भी अच्छा रहता है, पर ये आपको अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा, वरना आधे जो ऑनलाइन हमको चाइनीज़ या जापनीज़ ब्रशेज़ मिलते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं। ये नेचुरल हेयर का चाइनीज़ ब्रश है। फिर आता है हमारा फैन ब्रश। ये सिंथेटिक ब्रश है मेरे पास, पर ये टेक्सचर वर्क के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ये ग्रास, ट्रीज़ और फोलियज के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, तो ये ऑप्शन है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, वरना ये इतना ज़रूरी भी नहीं है। काफ़ी कंपनीज़ बहुत अच्छे पेंट ब्रशेज़ बनाती है, जैसे कि एस्कोडा, रफायल, विंसर न्यूटन, सिल्वर। अगर आपके पास बजट है तो आप वो सब खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा है आपके लिए। अगर आपके पास मीडियम बजट है तो आप सिल्वर पेंट ब्रशेज़ खरीद सकते हैं, वो मेरे पर्सनल फेवरेट है, मैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ। और अगर आपके पास बिल्कुल बजट कम है तो मैं आपको बताऊंगी, ये ब्रूस्ट्रो का एक मॉब ब्रश सेट आता है, उसमें तीन ब्रशेज़ आते हैं, वो आप ख़रीद सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। उसका यही इशू है, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला है कि उसके काफ़ी टाइम बाद बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, पर वो ठीक है, वो सिंथेटिक ब्रशेज से तो बेहतर ही रहेगा। ऑनलाइन इन सब वेबसाइट्स पे ये पेंट ब्रशेज़ अवेलेबल हैं। ये बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, मैंने पर्सनली इनसे ख़रीदा हुआ है, तो आप बेझिझक बेफिकर इनसे ख़रीद सकते हैं। ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी रहती है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से अपने आर्ट मटेरियल ख़रीद सकते हैं। अब हम जान चुके हैं कि कौन कौन से पेंट ब्रशेज़ होते हैं, पर हमको कौन कौन से नंबर के लेने हैं ये मैं आपको बताऊंगी हमारे अगले वीडियो में, जिसमें मैं कवर करूंगी बिगिनर आर्टिस्ट मटेरियल किट। उसमें आपको कौन कौन से पेंट्स लेने हैं, कौन कौन सा पेपर लेना है, कौन कौन से पेंट ब्रशेज़ का नंबर लेना है, ये सब मैं आपको बताऊँगी अगले हफ्ते। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।